मॉर्निंग, इट्स लवली डे टुडे अगेन एंड सो ब्यूटीफुल। अभी इस वक्त मैं निट्टे साइड आया हूँ मेरी बाइक वॉश करने के लिए, और वहाँ देख रहे हो मेरी बाइक की वॉशिंग हो रही है। और इतना बेटर प्लेस है ना, आपको पता है बैंगलोर में इससे अच्छा कहीं क्लीनिंग नहीं मिलने वाली है। और मैं इधर ही क्यों ज़्यादा आता हूँ, बिकॉज आई प्रीफर दिस प्लेस, वो इसके लिए क्योंकि यहाँ पर की जो क्लीनिंग जो लोग जो करते हैं ना, इतना मस्त तरीके से करते हैं, बट इट विल टेक टाइम। यूजुअली बैंगलोर में 10 से 15 मिनट के अंदर लोग ख़त्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इट विल टेक 1 आवर, बिकॉज वो लोग बाइक का एक एक पार्ट वो लोग क्लीन करते हैं। और इस जगह का नाम है क्रिस्टल क्लीनिंग। वो चाहे तो आप, अगर आप नीचे साइड आते हो, कारकला साइड या मुठभेड़ साइड जाते हो ना, तो वहाँ पर क्रिस्टल क्लीनिंग मिल जाएगा। एक्चुअली उसका गूगल में भी नंबर था, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और मैंने बस उनको फ़ोन करके आया क्योंकि मुझे मालूम नहीं था ना कि ये लॉकडाउन में चालू है कि नहीं। फाइनली थैंक गॉड मुझे चालू मिला, मुझे बाइक को अभी डीजल क्लीनिंग कर रहा हूँ मैं। और इट्स सो ब्यूटीफुल, अभी देखो बाइक थोड़ी देर में चमक जाएगी, बाइक फटने लग जाएगी, शाइनिंग करेगी। इट्स अ लवली डे। और अभी वहाँ पर मेरी बाइकों की क्लीनिंग चल रही है अच्छे से, तो चलो मैं आपको अपडेट व्यू कर दूँ, थोड़ा सा सुबह से अपना चेहरा दिखा दूँ। चलिए देखते हैं अभी कौन सा ब्लॉग बनाता हूँ आज मैं। देख लो मेरे पीछे इतनी अच्छी लवली सर्विसिंग हो रही है। एक्चुअली यार दोनों बंदे मेरे 3-4 बाइक टाइम पे भी आ रहे थे, तभी मैंने बाइक को क्लीन किया था, और अभी वही बच्चे हैं बबल जो मेरे बाइक को क्लीन कर रहे हैं। दे आर डूइंग अ लवली जॉब ओवर देयर, एंड क्रिस्टल क्लीनिंग इज द बेस्ट प्लेस फॉर द नीटे व्होएवर स्टेइंग नियर बाई इन दिस एरिया या धर्मशाला, इसी रोड पर ही आपको मिलेगा। तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये क्रिस्टल क्लीनिंग पर आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर इनके रेट स्टार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो बाइक वॉश सोप डीजल एंड ये इनके चार्जेस है। BW और FWD क्या है? बॉडी वॉश विद डीजल। अच्छा बॉडी वॉश विद डीजल एंड फॉर्म वॉश विद डीजल। फुल वॉश। अच्छा फुल वॉश विद डीजल, ओके। तो आप देख सकते हैं इनके रेट कार्ड लगे हुए हैं। टेम्पो भी 350 है ना, टेम्पो 350 है, वॉशिंग के लिए लॉरी रिक्शा टिपर टीटी टेम्पो है, टीटी मिनी बसेस एंड टू व्हीलर का 150 है, राइट? हाँ टू व्हीलर का 150 है। तो आप आ सकते हैं, यू कैन 180cc तक फुल वॉश डीजल, ओके ओके। तो आप देख रहे हो कि अभी मेरा फिलहाल डीजल वॉशिंग इतना अच्छे से इन्होंने किया है यहाँ पर, और अभी ये लोग फॉर्म वॉश भी करेंगे। एंड इज डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब ओवर हियर, बाइक इज न्यू ब्रांड हो जाती है वापस से। और इनकी जो क्लीनिंग से जो टेक्निक है ना, इतना अच्छा है, और इन्हें स्पेस इतना अच्छा है यहाँ पर, आप देख सकते हो इतना बड़ा स्पेस है, और इन्हें नीट एंड क्लीन रखा है। बैंगलोर में मैं क्या बोलूँ, इतना गंदा रखते हैं ना यार कि पूछो मत, एंड सो ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो, देखो ये क्रिस्टल क्लीनिंग है, कार वॉश, इसमें हर चीज़ का रेट है। लोग बोल देंगे इससे चीप ऑल्सो, 150 rupees पूरा बाइकों का है, कार का है। देखो सामने दो ट्रैक्टर है, अभी ये भी क्लीन करने का है, तो इसका 700 rupees लेगा। तो इसमें हर चीज़ का, और ये जो वाइट वाले दिख रहे हैं ना, ये इनके ओनर है, और ये मुझे पहचान लिए जब मैं आता हूँ ना मुझे हमेशा। तो एक्चुअली यार ये लोग का भी धंधा पानी थोड़ा शॉर्ट हो गया ना, एंड आप देख रहे हो ना इट्स सो, ये बड़ा प्लेसेस रियली में कन्वर्ट हो गई है वापस। सुबह से बारिश गिर रहा था, कल भी बारिश था, लेकिन आज जो भी बारिश नहीं, आज बहुत धूप है। कितनी अच्छी तरह से क्लीन सफाई हो रही है आज मेरी बाइक की, और मेरा बाइक भी सोचता होगा आज मेरे मालिक को मेरा आज मेरा ख्याल आया होगा। बॉस क्या करें, बारिश के टाइम पे बाइक भी धोना पड़ता है, मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरी है ना। बॉस अभी आप देख रहे हो इतना अच्छा इन लोग ने हमारी बाइक को वॉश की है, आप बिलीव नहीं करोगे इन लोग ने जिस तरह से हैव डन द ग्रेट जॉब। बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है इन लोग ने, पूरी बाइक वापस मेरी ब्रांड न्यू हो गई है फिर से, और ऐसा भी नहीं कि ज़रा सा भी कुछ स्पेस बचा होगा जहाँ पर लोगों ने क्लीन नहीं किया। एंड दे आर फोकस मोस्टली इन द इंजन पार्ट, जहाँ पर जितने गंदगी होती है बारिश में, यहाँ पूरा कीचड़ बैठ जाता था। हैव यू सीन इज कम्प्लीटली क्लीन हो गया है, यहाँ से लेके रेडिएटर से लेके जितना भी कुछ है लोग ने पूरे अच्छे से साफ सफाई की। आप देख रहे हैं कि ये हमारा टायर देखो एकदम वापस न्यू ब्रांड हो गया है। सो एवरीथिंग लाइक दे हैव डन द वेरी ग्रेट जॉब, ईच पार्ट में उन लोगों ने फोकस किया है, और खास करके मेरा जो चेन जो बहुत सड़ चुका था, तो इन लोगों ने खास करके डीजल वॉशिंग में देखो अपने चेन को वापस पूरा ना से नया बना के, अभी वो चांदी से चमक रहा है ये।
सो इट्स वेरी ग्रेट जॉब दे हैव डन दिस गाइस. सो मुझे बहुत पसंद आ गया बाइक. अभी बारिश का तो टाइम है, आपको तो पता है. वॉशिंग करते रहना यार, ऐसा मत सोचना कि बारिश पूरा बंद हो जाए और फिर आप वॉशिंग ना करो, ऐसा मत करो प्लीज़ यार. डीजल वॉशिंग करते रहो एक एक महीने में ताकि गाड़ी भी आपकी अच्छी परफॉर्म करेगी, ठीक है. तो अभी आज का ये मेरा व्लॉग है और मैं अभी इनका नंबर भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल देता हूँ, और इनका जो भी इनका नाम है, इनका किसे क्लिनिंग, ये भी मेरे डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगा. तो अगर आपको इधर आना है तो प्लीज़ इनको कॉन्टेक्ट करो. कम हियर एंड हैव अ ग्रेट बाइक वॉश एंड कार वॉश, वट एवर यू हैव, जो भी अच्छा लगा है, फॉर्म वॉश से लेके नॉर्मल वॉश से लेके या सिर्फ वॉशिंग से लेके भी रिलेटेड इनका सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है. और एनी टाइम ओपन है, क्या टाइम से ओपन है सर? सुबह 8 बजे से 8 to 5 PM तक. बिकॉज अभी लॉकडाउन की वजह से 7 बजे के बाद हम लोग काम नहीं करते, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑल्सो. तो एनी टाइम खाली रहता है, इसी बार टेंशन नहीं. आप आओ आके अपना आराम से बैठो, बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पर, जहाँ मर्जी है बैठ जाओ और अपना बाइक वॉश करते हुए देखो. तो ठीक है, तो अभी मैं निकलता हूँ, मुझे कल काम भी बहुत सारा, पूरे डे ऑल डे काम है. तो ये शाम का ब्लॉग आ जाएगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखना. तो इसके लिए मैं तब तक अलविदा लेता हूँ, बाय.